हेलो दोस्तों, आज हम सैमसंग के एलईडी टीवी जो कि बेसिक टीवी है, नॉर्मल जो आता है वो एलईडी है, ठीक है, इसका ऑल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सारा सेटिंग जो सिस्टम में क्या है, कैसे क्या होता है, सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और इसका जो मॉडल है UA32T4010, ठीक है। और इसका डिस्प्ले जो है HD है, देखिए लिखा हुआ भी है, इसका डिस्प्ले HD है, ठीक है। और इसमें आपको रेगुलेशन जो मिल जाता है, इसका पिक्सल 1280x720 पिक्सल है इसका। और इसका साउंड आउटपुट जो है 20 वाट साउंड आउटपुट है, ठीक है। और इसमें ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ ये आता है एलईडी टीवी। तो अब इसके फंक्शन के बारे में हम ऑल डिटेल्स देने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसमें पिक्चर मोड कौन कौन सा है, कैसे कंट्रास्ट सेटिंग करें, कैसे सारा सिस्टम करें, ये हम सारा आपका डिटेल्स देने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो देखिए ये जो रिमोट है, इसमें आपको ये सेटिंग बटन दिख रहा होगा, इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, सबसे पहले आया क्या, पिक्चर मोड। तो पिक्चर मोड में जाएंगे, ठीक है। पिक्चर मोड में आए, आप देखिए कैसा पिक्चर चाहिए, डायनेमिक है, स्टैंडर्ड है, मूवी है, ठीक है। अब ये हो गया, ये कैसा चाहिए वो हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ब्राइटनेस, कितना हमको ब्राइटनेस चाहिए वो इस पर सेट कर लेंगे। कंट्रास्ट इस पर सेट कर लेंगे। शैडो डिटेल्स इस पर देगा, स्पेयरनेस इस पर देगा। कलर कितना चाहिए हमको वो इस पर सेटिंग कर देना है, ठीक है। और ये जो सेटिंग है, ये हमेशा आपको G5 पर रखना है, ठीक है। G5 R5 इसी पर रखना है, तो आपका अच्छा क्वालिटी आएगा। पिक्चर ऑप्शंस, पिक्चर ऑप्शन में देखिए, जैसे हम ओके किए तो इसमें देखिए क्या आ गया, कलर टोन साइज, पिक्चर साइज हमको चाहिए, कैसे चाहिए, तो साइज पर दबा दिए, ठीक है। जूम करना है तो देखिए वाइड जूम पर आ गया, फुल जूम हो गया, 4.3 पर आ जाएगा, इतना बड़ा पिक्सल आ गया। अभी देखिए स्क्रीन स्पिल्ट आ गया, लंबा आ गया। अब कस्टम पर दबा देंगे, ये कस्टम हो गया। और ओरिजिनल हमको देना है इस पर 16:9 पर, देखिए इस पर फुल क्वालिटी आएगा और सबसे बेहतर क्वालिटी इसी पर आता है, ठीक है। फिल्म मोड, फिल्म मोड में जो है, जैसे देखिए ऑटो करना है या ऑफ करना है, ऑटो पर है, ऑफ को पर रहने दीजिए। मोशन लाइटिंग ऑन करना है, जैसे 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 देखिए किसी, देखिएगा कभी पिक्चर में ज़्यादा लाइटिंग आता है, कम आता है, तो ये ऑन कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो इसको ऑफ कर देते हैं, देखिए अब रिटर्न, ये देखिए रिटर्न बटन है, इसको प्रेस कीजिएगा, ठीक है। अब पिक्चर ऑफ, जैसे डिस्प्ले हमको ऑफ करना है तो देखिए ये ओके का बटन है, इसको दबा दीजिए, डिस्प्ले ऑफ हो गया। अब फिर डिस्प्ले ऑन करना है, रिटर्न है, रिटर्न दबा दीजिए, ऑन हो गया, देखिए ऑन हो गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये पिक्चर मोड में हमें आपको कहाँ तक बता दिए, ये पिक्चर मोड, पिक्चर ऑफ, पिक्चर रीसेट। अब जैसे हम गलत सेटिंग कर चुके हैं, ठीक है, हमको रीसेट मारना है, मान लीजिए जैसे जैसे कंपनी हमको देती है वैसा सेटिंग करना है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमसे छेड़छाड़ हो गया पिक्चर मोड में, तो ये जो पिक्चर रीसेट है इस पर ओके करेंगे, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले रीसेट पिक्चर मोड, इस पर दबा के और प्रेस का बटन ओके कर देंगे, ओके का बटन प्रेस कर दिए। डायनेमिक रीसेट, ये जो है जितना कंपनी हमको देती है जितना सेटिंग करके, देखिए ऑटोमेटिक उतना पर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं साउंड मोड में, साउंड में कैसे क्या सिस्टम है वो देख लेते हैं। साउंड में जैसे देखिए स्टैंडर्ड साउंड चाहिए, म्यूजिकल, मूवी देख रहे हैं तो मूवी पर, क्लियर वॉइस के लिए इस पर ओके कर देंगे, तो हमको स्टैंडर्ड साउंड चाहिए तो स्टैंडर्ड पर दो के आई ओके बटन प्रेस कर देंगे। इक्वालाइजर, इक्वालाइजर भी है, देखिए 100 हर्ट्ज तक, 300 वो कर सकते हैं आगे पीछे बैलेंस, ठीक है। तो इसमें ऑटो वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है आपको, स्पीकर सेलेक्टर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, HDMI ऑडियो फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है हमको, साउंड रीसेट।
अगर इसमें भी हम गलत सेटिंग कर दिए हैं, ठीक है, अब हमको जैसे कंपनी में आता है, जो कंपनी खुद आपको सेट करके देती है वैसा चाहिए। तो देखिए प्रेस का बटन है, इसको ओके कर दीजिए और इसको रिसेट ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये साउंड रिसेट ऑल हो गया। अब जैसा कंपनी हमको देती है उतना पर ये सेटिंग हो गया, ठीक है। अब ये आ जाते हैं प्लग एंड प्ले, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट जो है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इसमें कौन सा लैंग्वेज चाहिए, हिंदी भाषा चाहिए, जो भी भाषा चाहिए, मराठी चाहिए, तो इस पर हम इंग्लिश पर सेलेक्ट कर देते हैं, ओके दबा देंगे। टाइम सेटिंग करना है, कितना जो टाइम हुआ है वो सेटिंग करना है, इस पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। गेम मोड ऑफ करना है, ऑन करना है, इस पर कर सकते हैं। बूट लोगो ऑन है, इको सॉल्यूशन, ठीक है। ये कितना ये जो है ऑटोमेटिक जो है ना, आप 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा टीवी, ठीक है। ये वो सिस्टम भी इसमें दिया है। अब ये आता है सोर्स लिस्ट, सोर्स देखिए एक तो शॉर्टकट दिया रहता है, ये देखिए SORC सोर्स, सोर्स दबाइएगा तो इसमें सारा लिस्ट आ जाएगा, इनपुट क्या क्या चीज़ से इसमें वीडियो प्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, उधर दिखा रहे हैं। ये सोर्स बटन दबाने पर भी आ जाएगा, देखिए आ गया, देखिए ये भी सपोर्ट मिल जाता है। HDMI 2 HDMI 1 सारा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। जिससे आपको चलाना है उसे चला सकते हैं। पेन ड्राइव लगाइएगा, पेन ड्राइव को बता रहे हैं कैसे चलाना है आपको, तो सेटिंग बटन दबाएंगे, ठीक है। साउंड ये हो गया, अब हम आते हैं सोर्स में भी आ गए। अब सोर्स में एक और देखिए, जैसे एडिट ए भी पर हमको चलाना है तो इस पर लिख सकते हैं। सेटअप बॉक्स चलाना है, DVD प्लेयर चलाना है, उस पर हम डाल देंगे जो नाम देना है। देख रहे हैं ऑप्शन आ जाता है आपको, DVD केबल STV सेटेलाइट STV PVRC सेटअप बॉक्स जो भी है, AV रिसीवर गेम, ठीक है। देखिए PCB जिसमें लगाना है सारा ऑप्शन आपको इसमें दे दिया जाता है, ठीक है। उस पर सेट कर दीजिएगा, ये रहता है याद रहता है हम AV में क्या चीज़ लगाए हुए हैं, अब वो आपको शो करेगा, ठीक है। अब HDMI 2 में हम होम थिएटर लगाए हैं, VCR लगाए हैं, DVD लगाना है या केबल STV सेटेलाइट, देख लीजिए सारा ऑप्शन दिया है। गेम देखिए PC DVI PC सारा ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। इससे क्या है जो इसमें एडिट कर सकते हैं, देख रहे हैं एडिट कर सकते हैं। HDMI में है जैसे होम थिएटर का आउटपुट दिए हैं, इनपुट दिए हैं, सारा इसमें दे सकते हैं। तो ये सेटिंग हो गया सोर्स का, समझ गए क्या होता है सोर्स में। जब भी जैसे हम सेटअप बॉक्स लगाएंगे, ठीक है, अगर पिक्चर इसमें नहीं आ रहा है, नो सिग्नल दिखा रहा है, तो कुछ नहीं करना है। ये सोर्स बटन जो है सैमसंग का, इसमें इसको क्लिक करना है, आपको ऑप्शन आ जाएगा HDMI लीड लगाए हैं या AV पर चलाना है, आ जाएगा, ठीक है। मीडिया प्ले देख लीजिए, USB जब भी लगाइएगा तो देखिए ये देख रहे हैं, ये मीडिया प्ले, इस पर क्लिक कीजिएगा सारा आ जाएगा, दिखा रहा है। अब देखिए सेल्फ डायमेंशन, इसमें जो है ये LED में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ काम नहीं करना है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए इस पर जाइएगा। अब जैसे पिक्चर टेस्ट करना है तो देखिए 7 कलर जो आ चुका है इसमें, A 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ब्लैक वाला छोड़ के ये गिन लीजिए, ठीक है। 7 कलर मतलब मेरा जो है LED का जो डिस्प्ले है वो ठीक है, ठीक है। तो चलिए टेस्ट हो गया, अब साउंड टेस्ट करना है। देखिए आवाज आया, तो साउंड टेस्ट ठीक है, मेरा स्पीकर भी काम कर रहा है अच्छी तरह से। अब रिसेट मारना है तो इस पर रिसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसेट हमको नहीं करना है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी 30 सेकेंड में हो जाता है, ठीक है। USB मोड, स्टीरियो या होम, देखिए स्टोर डेमो, जैसे अगर दुकान में हम लगाए हैं, ठीक है, और कस्टमर को बताना है तो स्टोर मोड डेमो पर दे देंगे, ठीक है। अगर घर में रखे हैं, देखिए होम USB है ना, होम यूज के लिए इस पर देना है, स्टोर डेमो के लिए इस पर दे देना है।
वो आपको इसका जो फंक्शन है आपको हमेशा शो करते रहेगा डिस्प्ले पर। HD कनेक्शन गाइड, HD जो है ये जो HDMI जो कनेक्शन होता है वो कैसे करना है। देखिए ये जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं HD बॉक्स, HDMI आउटपुट, HDMI इन, ठीक है, TV रिसीवर। देखिए आउटपुट जो है आपके सेटअप बॉक्स में लिखा रहेगा HDMI आउटपुट, और जो LED होता है उसमें लिखा रहता है HDMI इन 1, HDMI इन 2, HDMI 3। जैसे आपको जितना दिया रहता है ऑप्शन, 2 रहता है इसमें 2 दिया है, इसीलिए जब भी देना है आपको HDMI अगर नहीं लगाना आता है सेटअप बॉक्स में लगा दीजिएगा जिसमें आउट लिखा रहता है, और जब भी TV में लगाना है तो HDMI इन लिखा रहता है, ठीक है। तो ये भी टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो सैमसंग के बारे में क्या कैसे है ये सारा इस पर दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इतना ही इसका टोटल फीचर्स है, क्योंकि ये बेसिक TV है, स्मार्ट TV नहीं है। स्मार्ट TV रहता तो इससे बहुत ही ज़्यादा फीचर्स रहता, तो ये बेसिक TV है। अगर कुछ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसमें आपका सहायता कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हमको, देखिए ये सोर्स बटन है, सोर्स बटन है, इसको दबाएं, देखिए दबा दिए। अब HDM से हटाना है, देखिए एबिलिट पर देना है, दे दिए, देखिए हट गया, ठीक। तो किसी भी सैमसंग रिमोट में, चाहे कोई सा भी कंपनी का, सॉरी सैमसंग का कोई भी TV हो, बड़ा हो छोटा हो स्मार्ट हो, उसमें अगर आपको नो सिग्नल दिखा रहा है, अगर सेटअप बॉक्स आप सेटिंग कर चुके हैं तो कुछ नहीं है, ये सोर्स बटन खोजिएगा और उसको क्लिक करके HDMI जो भी लगा है हाँ उसकी तरह का सा सेटिंग कर लीजिएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ है तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, तो ठीक है। और हम मेरे चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।